नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं आई सेवन न्यूज। असल में चुनाव में आने का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जो पब्लिक है वो स्वास्थ्य की तरफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है जी। तो मेरा पहले मेन उद्देश्य जो वो ये है कि मैं अपने नगर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराऊं अच्छी से अच्छी, क्योंकि बहुत से हमारे जो तबका है जो ज़रूरतमंद है वो बगैर इलाज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता और जिसकी वजह से रास्तों में ही उनकी डेथ हो जाती है, इलाज न मिलने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती है उनके सामने जी। तो मेन मकसद मेरा यह है कि एक अस्पताल जो है मैं अपने क्षेत्र में अच्छा अस्पताल, जिसके लिए क्योंकि मेरठ तक आने में लगभग हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट तक लग जाते हैं जी। और सड़कें आप देख रहे हैं किस तरह का हाल है, वहां से निकलते निकलते भी एक घंटा लगभग मेरे ख्याल में पहुंच जाता है। अगर हम अपने क्षेत्र से बात करें तो मेरठ तक लगभग 30-35 किलोमीटर का रनर होता है, प्लस अगर हम दूसरी साइड में जाएं तो मुरादाबाद साइड में जाकर ही कोई हॉस्पिटल है। तो मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाऊं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को कहीं भी जाना ना पड़े और सारा इलाज वहीं पर मुहैया होना। नहीं, मैंने तैयारी तो पहले भी की है, मैं असल में पहले इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से MP के इलेक्शन की तैयारी कर चुका हूँ जी। बस किसी वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। जो मेरी जनता है जी, उसको अच्छी से अच्छी हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जी, मेरे क्षेत्र में प्रकाश का मतलब मुहैया कराया जाए जी, रोड जो है अच्छे से अच्छे बनाए जाए, अच्छे रोड बनाए जाए, अच्छे रोड बनाए जाए वहां पर, और एजुकेशन अच्छी से अच्छी एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए जी, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारा भविष्य है। बिल्कुल, अगर वो आगे एजुकेटेड होगा तो ही हम लोगों का, अगर हमारे जो नौजवान तबका है वही बीमार होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो हम आगे क्या कैसे अपने देश को ले जा सकते हैं। मुख्य समस्या मेरी मैंने अभी बताई आपको, मुख्य समस्या जो है स्वास्थ्य के लिए जी, नंबर एक, नंबर दो शिक्षा जी, नंबर तीन पानी, नंबर चार सड़कें जी, नंबर पांच प्रकाश जी मतलब रोशनी लाइट्स लाइटिंग का ना होना, प्लस जो गंदगी का, गंदगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गंदगी, आपने खुद जाकर देखा होगा उस क्षेत्र में। मैं डॉक्टर एहकाम खान, मेरी पत्नी शादमा खान, प्रत्याशी चेयरमैन पद शाहजहांपुर से, कस्बा शाहजहांपुर से, मैं आप सभी को तहे दिल से दीपावली की मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पक्ष में और अपने क्षेत्र के विकास के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कृपा करें। धन्यवाद।